आज के इस खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद् गीता के 30 महत्वपूर्ण उपदेशों को लेकर आए हैं। दोस्तों, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के 30 उपदेशों को सुनना, समझना और अपने जीवन में उनका अनुकरण करना बहुत ही जरूरी है। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। गीता का पहला उपदेश है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पर आपको वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। आइए इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ ही वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, वो पैदल ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं, तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर मर गया। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत ही स्वस्थ और सुंदर था। कुछ ही दिनों में वो बीमार रहने लगा। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी बच नहीं सकता। दोस्तों, इससे पहले कि हम दूसरे उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गीता का दूसरा उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपना होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है, यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। दूर दूर से कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया। उसके जीने की वजह थी उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल कर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल किसी और को बेच दिया है।
जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लगी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा पक्का हुआ ही नहीं था। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख वही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वह वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद् गीता का ये दूसरा उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का तीसरा उपदेश, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और भी गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं उनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप सहते रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। लेकिन आप जिस वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का पांचवा उपदेश है, किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है। सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ, वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठवां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है,
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर, कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सभी करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे आपको हम नीचा दिखा सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में, हमारे जीवन की डोर भी संभाल कर ईश्वर बैठे हुए हैं। लेकिन युद्ध हमें ही करना है, ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, लोग कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है, ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था, सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, वह चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना, अपना कर्म करना,
वो नहीं करते, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। आलस्य के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है ना, वह भी चला जाएगा। यहाँ कुछ लाइनें मुझे याद आ गई। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। गीता का 11वां उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझ कर भी चाह कर भी कुछ कर ही नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का भी स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते ही नहीं है। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने ही नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज आपसे उतना ही दूर चली जाएगी, और जो चीज आपकी सच में है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गीता का 13वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने अंदर के दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफों में जीता है, ज्यादा गुस्सा करके या ज्यादा क्रोध करके। जो भी आपके पास है ना, आप उसे खो दोगे, और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 14वां उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भले ही पता ना चलता हो, लेकिन जब कोई भी आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते, और दिल मिलाने की बात करते हैं। सच में जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, और वह हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनका आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वह आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराए होते हैं, सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 16वां उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते।
अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 17वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 18वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 19वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आप जिसे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वह हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकती है। गीता का 20वां उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। गीता का 21वां उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नंगा करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने पांडवों की जान लेने की बार बार कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 23वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास, वह भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी को काटे, भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उनकी हुई क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का 24वां उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा, और उसके वैभव और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह राज्य भी उनसे छीन लिया, जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ गया। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए।
गीता का 25वां उपदेश है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 26वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। अच्छा खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलती है। गीता का 27वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो, वो आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 28वां उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गंवा देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। गीता का 30वां उपदेश ये है कि आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता के आखिरी श्लोक में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते हैं कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाए उसे कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।